नमस्कार सभी को। भारत भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। और आपको बता दें कि यह जलोढ़ मिट्टी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज जैसी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, जो कि मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों में पाई जाती है। इसे कछारीय मिट्टी भी कहते हैं और यह भारत में लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, तो उसमें कार्बन वगैरह काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता सबसे अधिक होती है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी में। और ये तीनों ही प्रश्न इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है और इसे पटसन भी कहा जाता है। और आपको जो ये फोटो में दिख रहा है, ये जूट का पौधा है, इसी को पटसन कहा जाता है और इससे ये रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी किस प्रकार की होती है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता तो आवश्यक होती है लेकिन उसका जमाव नहीं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय के लिए पानी की तो आवश्यकता होती है लेकिन पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। और चाय उत्पादन में भारत का सर्वप्रथम राज्य असम है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। केवल अकेले असम में ही लगभग 52% चाय उत्पादित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जहाँ भी आपको केसर उत्पादित राज्य पूछा जाए तो उसका सही उत्तर जम्मू कश्मीर होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही केसर होता है। नेक्स्ट है, लाल मिर्च के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा लाल मिर्च का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंसर दीजिए। और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है, हमने भी आपको बता दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर उत्पादित होती है भारत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादित होती है, जो कि लगभग गुजरात भारत का 30% कपास का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूँ, गन्ना और चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। नेक्स्ट है, भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, सिंधु और गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा, यमुना और सिंधु नदी की नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। आपने खादर और बांगर ये दो शब्द सुने होंगे। जो इन नदियों के किनारे इलाके हैं वो खादर हैं और जो इनसे दूर हैं वो बांगर हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में मानसून सर्वप्रथम आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय क्षेत्र में मानसून भारत में सबसे पहले आता है। नेक्स्ट है, खासी और गारो नामक जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में, जहाँ भी आपको
गारो, खासी और जैनतिया, इन तीनों में से कोई भी नाम आए, चाहे पहाड़ी पूछे या फिर जनजाति पूछे, उसका संबंध मेघालय से है। नेक्स्ट है, जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठक्कर बाबा के द्वारा सबसे पहले जनजाति शब्द का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरापूंजी तथा जैनतिया नामक जनजातियाँ किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय राज्य से। नेक्स्ट है, पूर्वी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह अवस्थित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई बंदरगाह। बंदरगाह से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है, मुंडा जनजातियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है, और भारत की सभी प्रमुख जनजातियाँ जो जिस राज्य में जहाँ रहती हैं, ये वाली पीडीएफ फाइल हम आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं, टेलीग्राम से जाकर के ले लीजिए। नेक्स्ट है, कोल, भील तथा गोंड आदि जनजातियाँ किस राज्य के निवासी हैं? तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भटकल बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है, और बंदरगाह से स्पेशल नोट्स और वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है, छपरकूट, पॉलकूट तथा मिसकूट किस राज्य से संबंधित त्यौहार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य से। नेक्स्ट है, वडंग जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है अथवा रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर वडंग जनजाति निवास करती है। तो ये कुछ जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, प्रश्न आपको कैसे लगे आप जरूर बताइए। ये लगभग आपके 500 क्वेश्चन के आसपास हो चुके हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सारे प्रश्न आपको YouTube चैनल शिक्षा मेरे दोस्त पर एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर के देख लीजिए। और इस प्लेलिस्ट में कुल 1000 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी और रिवीजन अच्छे से हो सके। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए। किसी नोट्स पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे।